नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंट विद सोनल। आज मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ श्री कृष्ण भगवान जी की ये बहुत ही खूबसूरत पिछवाई पेंटिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये पेंटिंग मैंने कागज़ पर बनाई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैनवस नहीं होता, लेकिन ये पेंटिंग के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पेंटिंग को हम पेपर पर भी बहुत ही खूबसूरती से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने पेंसिल कलर्स का यूज़ करा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्केचबुक ली है A3 साइज़ की, और ये 140 GSM का पेपर है। मैंने इसके लिए गूगल से प्रिंटआउट निकाला है। आप अपनी पसंद की कोई भी पेंटिंग का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। मैंने इस प्रिंटआउट को एक कार्बन पेपर की सहायता से एक पेपर पर ट्रेस कर लिया है। ये A3 लेआउट है। देखिए, मैंने इसको ट्रेसिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। इसके लिए मैंने अपने बच्चों के पेंसिल कलर्स लिए हैं। उनके पास जितने भी पेंसिल कलर्स का स्टैक था वो मैंने इस ट्रे में डालकर, अब देखते हैं इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने ऑरेंज का यूज़ करा है भगवान श्री कृष्ण की टोपी बनाने के लिए। देखिए, कलर मैंने बहुत डार्क यूज़ करा है, यानी कि बहुत ही प्रेशर के साथ, जिससे कि एक इवन लुक आए। इसकी आउटलाइनिंग मैंने ब्राउन से करी है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या आपकी खुद की जैसे कहते हैं ना, क्रिएटिविटी है, खुद का आपका मन है। भगवान तो हर रूप में ही बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप उन्हें जैसा सजाना चाहें वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं भगवान श्री कृष्ण का फेस अभी येलो से स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं कि ये कैसा निखर कर आता है। ये पूरी बॉडी जो है मैंने येलो से कर दी है। इसके लिए येलो कलर यूज़ करा है। अब हम इनकी आंखें बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की। इसके लिए देखिए, मुझे येलो ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैंने जो है अल्टीमेटली उसको स्किन कलर में करने की कोशिश करी है। बहुत इजीली रब भी हो जाते हैं, थोड़ा सा स्टेन तो रहता है, लेकिन फिर भी ये कलर्स बहुत ही इजीली रब हो सकते हैं, तो मैंने इन्हें रब कर स्किन कलर का यूज़ करा है। और इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक पेंसिल कलर से करी है। देखिए, धीरे धीरे ये कलाकृति उभरती जा रही है। पिछवाई पेंटिंग करीबन 400 साल पुरानी है। पहले के लोग इसे कपड़े पर करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के बदलते अनुसार काफ़ी लोग इसे काफ़ी अलग अलग माध्यम से उभारते हैं। ये बहुत ही प्यारा फोक आर्ट है। पुराने ज़माने में तो लोग इसको जो है नेचुरल कलर्स और नेचुरल स्टोन्स में मतलब करते थे, और कपड़ों पर करते थे, तो बहुत ही खूबसूरत लगती होगी। भगवान श्री कृष्ण की जो लाइफ है उसको इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट करा जाता था। मैं इसको पेंसिल कलर्स के माध्यम से इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्रेलिक कलर्स या ऑयल कलर्स या वाटर कलर्स भी नहीं होते हैं, तो मतलब कैनवस नहीं होता है, काफ़ी जैसे चीज़ों की जो है उपलब्धता की नहीं होती है। तो इसीलिए अगर हम मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ये जो है आप पेपर पर भी बहुत ही आसानी से अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सामान का मतलब अभाव हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने ग्रीन लीव्स करी है, लेकिन आप देखिए, मैं इसे बहुत ही प्रेशर से कर रही हूँ और कहीं पर उसको हल्के हाथ से कर रही हूँ। इसे पूरा फिल करिएगा और एक ही स्ट्रोक में करिएगा। इससे क्या है कि एक बहुत ही अच्छा लुक आता है, एक बहुत ही नीट लुक आता है पेंटिंग में। सबसे पहले मैंने लोटस की आउटलाइन करी है डार्क पिंक से, और उसके अंदर जो है मैं लाइट पिंक से उसे कलर पूरा करूँगी, और हल्की सी शेडिंग मैंने उसे डार्क कलर से दी है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो भी कलर्स अवेलेबल हैं मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके लिए कोई भी नया कलर यूज़ नहीं करा है। ये मैंने A3 लेआउट लिया है। आप इसे छोटे से छोटा पेपर या जो भी आपके पास पेपर अवेलेबल है उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। इन्हें क्रेयॉन से भी कर सकते हैं।
ये मेरा दूसरा लोटस भी कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से मैं सारे फूलों को कलर कर लूँगी। बाहर मैंने उसकी डार्क आउटलाइन करी है और अंदर हल्का हल्का पिंक से उसे भरा है। देखिए धीरे धीरे पेंटिंग अपना पूरा रूप ले रही है और कितनी सुंदर लगती जा रही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं आपके साथ अच्छे से अच्छे वीडियोस शेयर कर सकूं और मेहनत कर और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब हम भगवान श्री कृष्ण की धोती पूरी करते हैं। मैंने उनकी धोती को ऑरेंज रंग से कलर करा है। ये मैंने ऑरेंज की आउटलाइनिंग करी है। अब इनके बीच में मैं इसे येलो, डार्क येलो से फिल करूंगी। आप चाहें तो धोती को कोई भी रंग दे सकते हैं। आप लाल दे सकते हैं, नीला दे सकते हैं, हरा दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, भगवान तो हर रूप से खूबसूरत है। आपकी इच्छा है आप उन्हें कैसे सजाएं। ये मैं आउटलाइन ब्लैक से कर रही हूँ। सिंपल ब्लैक पेंसिल कलर है ये। बस आप ध्यान रखिएगा कि आप इसकी टिप अच्छे से शार्प करके यूज़ करें, क्योंकि आउटलाइनिंग के लिए शार्प टिप होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से निकल कर आएगा। और थोड़ा सा उसे प्रेशर के साथ यूज़ करें जिससे कि एक नीट लुक आए। ये मैंने स्टेम्स जो हैं डार्क ब्राउन से करी थी। अब भगवान जी की बेल्ट को मैं पर्पल का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, बट मैंने सोचा चलिए इसी को ट्राई करते हैं। ये मैंने डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन का यूज़ करा है इनके हाथों को सजाने के लिए। जिस प्रकार से मोर पंख में वो जो रंग होते हैं, मेरे दिमाग में वही था कि मैं उनको उसी प्रकार से कुछ उनकी ज्वेलरी जो है भगवान श्री कृष्ण जी की, उसका वो करूं, कलर करूं। तो मैंने कई कई जगह पर इनके माला में ग्रीन का यूज़ करा है। अब प्रभु का ऑरा, जिसको मैंने रेड और ऑरेंज से आउटलाइन करा है। अब देखिए बैकग्राउंड में मैंने उसको जो है हल्का सा येलो यूज़ करा है और कोशिश करी है कि मैं उसे स्लांट अपना पेंसिल कलर को चलाऊं। जैसे है कि आप उसे टेढ़ा रखेंगे तो वो पूरी जगह अच्छे से फिल हो जाएगा। और उसको इवन लुक देने के लिए मैंने कॉटन का यूज़ करा है और उस कॉटन को अच्छे से रब करा है। इससे क्या होगा कि एक कलर जो है हर जगह एक स्मूथ फिनिश देगा और आपको लगेगा नहीं कि आपने पेंसिल कलर यूज़ करे हैं। यही चीज़ आप क्रेयॉन्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप फिर ब्लैक का इस्तेमाल बाद में करें, वरना वो स्मजिंग में ब्लैक हर जगह स्मज हो जाता है तो फिर आपकी पेंटिंग का अच्छा रूप नहीं आएगा निकल कर। ये पूरे आपको थोड़े से 4-5 मिनट इसमें स्पेंड करने पड़ेंगे स्मजिंग में। और जहाँ जहाँ से भी आपको लगे कि कलर जो है थोड़ा फीका पड़ गया है, वहाँ पर आप उसको दोबारा से डार्क आउटलाइन कर दोबारा से रिफिल कर दीजिएगा। देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अब ये कोई कह नहीं सकता कि ये मैंने पेंसिल कलर से करा है। सबको लगेगा ये स्केच पेन्स है या मे बी कुछ और कलर है। अब दोबारा से मैंने डार्क आउटलाइन करी है। अब ये फेवी स्टिक का मैंने यूज़ करा है। बेसिकली मैं उसको बहुत ही पतली आउटलाइन करना चाह रही थी, इसलिए मैंने उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करा, ब्रश की सहायता करी है से मैंने उसे अप्लाई करा है। इस पर जो मेरे पास गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, ये अमेज़ॉन पे बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं उनकी माला जो है थोड़ा डिफरेंट करना चाह रही थी तो इसलिए मैंने इसका गोल्ड फॉइल का यूज़ करा है। अब देखते हैं कैसे निकलता है ये। ब्रश की मदद से मैंने उसे
साफ़ कर दिया है। थोड़ा सा अनइवन है बट कोई बात नहीं। ये मैं पूजा स्टोर से मुरली लाई थी भगवान जी की। जहाँ जहाँ मुझे वो थोड़ा गोल्डन फॉइल अनइवन लग रहा है वहाँ वहाँ पर मैंने ये गोल्ड के जो है चमकीले मोती से लगाने की कोशिश करी है। अगर आपके पास गोल्ड फॉइल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूरे में ये मोती भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। या आप इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं और रेड कलर की माला जो है पेंसिल कलर से ही कंप्लीट कर सकते हैं। ये जगह जगह पे मैंने चार मोती अलग अलग जगह पे लगाए हैं। मैंने भगवान जी के कानों में और एक गले में भी एक हरा और गोल्डन मोती लगाया है। ये मैंने मुरली चिपका दी है और अब मेरी पेंटिंग कंप्लीट है। आप इसका क्लोजअप देखिए। ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी ये पेंटिंग पसंद आई हो तो मेरी इस पेंटिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। इस पेंटिंग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।